Why would you do that? We're in the end game now. तो दोस्तों एवेंजर्स 4 के पहले ट्रेलर से भले ही हमें मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ ना पता चला हो, पर जो सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल पता चली है वो है इस फिल्म का टाइटल। किसी भी मूवी की बात शुरू होती है उसके नाम के साथ, पर इस मूवी के साथ ठीक उल्टा हुआ। पहले हमें पूरा ट्रेलर दिखाया गया और लास्ट में मूवी का नाम सामने आया। जिस मूवी के टाइटल को ही इतना सीक्रेट रखा गया हो वो इतना मामूली तो हो नहीं सकता। इसीलिए आज हम बात करेंगे एवेंजर्स 4 के टाइटल के बारे में, जानेंगे एंड गेम का मतलब क्या है और देखेंगे इससे रिलेटेड सभी डिटेल्स। तो आइए देखते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम ये दोनों ही मूवीज बेस्ड है थैनोस क्वेस्ट और इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक्स पर। और आपको पता होगा कि पहले इन मूवीज का नाम इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 और इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 रखा जाने वाला था, लेकिन बाद में वो नाम चेंज कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों इन मूवीज का नाम चेंज किया गया और एवेंजर्स 4 के टाइटल को सीक्रेट क्यों रखा गया। मार्वल स्टूडियोज ने 2014 में ही ये अनाउंस कर दिया था कि आने वाली दो एवेंजर्स मूवी का नाम इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, पर 2016 में इन मूवीज का नाम बदलकर ये बोल दिया गया कि ये दोनों मूवीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए ये बदलाव किए गए हैं। पर ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अगर इन्फिनिटी वॉर के टाइटल में पार्ट 1 लिखा होता तो मूवी देखते वक्त हर कोई ये सोचता कि ये एक इनकम्प्लीट मूवी है और इसका क्लाइमेक्स सेकंड पार्ट में ही देखने को मिलेगा। और इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स के आसपास घूम रही थी, इसीलिए उस मूवी का नाम इन्फिनिटी वॉर रखा गया था। पर एवेंजर्स 4 की स्टोरी थोड़ी अलग है। इस मूवी के टाइटल को इसलिए सीक्रेट रखा गया था क्योंकि अगर इस मूवी का नाम इन्फिनिटी वॉर के रिलीज से पहले बता दिया जाता तो सभी फैंस ये अंदाजा लगा लेते कि इन्फिनिटी वॉर के एंड में क्या होने वाला है। मतलब फैंस ये समझ जाते कि थैनोस अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं एंड गेम के बारे में। एंड गेम का सिंपल मीनिंग होता है आखिरी खेल या आखिरी लड़ाई। मूवी में भी इसका मतलब कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन देने के बाद आयरन मैन से कहा था वी आर इन द एंड गेम नाउ। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। इन्फिनिटी वॉर में जब आयरन मैन और स्टार लॉर्ड थैनोस से लड़ने का प्लान बना रहे थे तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके फ्यूचर देखा था, जिससे उन्हें यह पता चला था कि 1,40,60,605 पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें थैनोस को हराया जा सकता है। थैनोस को कैसे हराना है ये बात डॉक्टर स्ट्रेंज ने नहीं बताई, हमें तो बिल्कुल नहीं बताई। हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को वो सब बताया हो और टोनी सिर्फ हारने का नाटक कर रहा है। थैनोस को हराने का जो इकलौता रास्ता है उसी का नाम है एंड गेम। इस एंड गेम की शुरुआत तभी हो गई थी जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके फ्यूचर देख लिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज को यह पता चल गया था कि थैनोस को हराने के लिए पहले उसे जीतने देना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने थैनोस को टाइम स्टोन दे दिया। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन नहीं देते तो क्या होता, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब ये है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन नहीं भी देते तो भी थैनोस बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि उसके पास पहले से ही 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे जो कि है स्पेस स्टोन, रियलिटी स्टोन, पावर स्टोन और सोल स्टोन। स्पेस स्टोन का यूज करके थैनोस यूनिवर्स की किसी भी लोकेशन पर आसानी से जा सकता था। रियलिटी स्टोन से वो किसी भी चीज का रूप बदल के उसे बर्बाद कर सकता था। पावर स्टोन से वो एक बार में ही पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकता था। सोल स्टोन से वो किसी की भी जान ले सकता था। कुल मिलाकर कहे तो थैनोस सिर्फ 4 इन्फिनिटी स्टोन से ही यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म कर सकता था, पर ऐसा करने में उसे बहुत टाइम लग जाता। लेकिन वो बिना माइंड स्टोन और बिना टाइम स्टोन के भी अपना मिशन पूरा कर सकता था। तो चलिए अब ये समझते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन क्यों दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज ये चाहते थे कि थैनोस अपना काम पूरा करे। जब थैनोस को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए तब उसने चुटकी बजाकर यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी। इससे 2 फायदे हुए। एक तो ये कि अपना मिशन पूरा हो जाने की वजह से थैनोस बिल्कुल बेफिक्र और शांत हो गया, और दूसरा फायदा ये कि थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। हालांकि उसका गाउंटलेट अब भी काम कर रहा है, लेकिन अब उसकी पावर कम हो चुकी है, वो अब बार बार गाउंटलेट से चुटकी नहीं बजा सकता। अब कुछ लोगों का ये सवाल है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन देना ही चाहते थे तो उन्होंने थैनोस के साथ इतनी लंबी लड़ाई क्यों की, उन्होंने पहले ही थैनोस को टाइम स्टोन क्यों नहीं दिया। इसका रीजन ये है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इतनी आसानी से थैनोस को टाइम स्टोन दे देते तो थैनोस ये समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन देने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बहुत देर तक थैनोस को लड़ाई में उलझा के रखा और उन्होंने थैनोस को बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट पर टाइम स्टोन दिया। इससे ये हुआ कि जब थैनोस ने चुटकी बजाई तो वो सभी लोग जिंदा बच गए जो कि थैनोस को हराने वाले हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड गेम प्लान के लिए जिन लोगों का जिंदा रहना जरूरी है वो है एंट मैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल, हॉकाई, ब्लैक विडो, वॉर मशीन, रॉकेट और नेबुला। ये सब मिलकर थैनोस के खिलाफ आखिरी जंग लड़ेंगे। थैनोस को एग्जैक्टली कैसे हराया जा सकता है इस बारे में अब तक बहुत सारी फैन थेरीज सामने आ चुकी है, पर जो सबसे इंटरेस्टिंग थेरी है वो है टाइम ट्रेवल। एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो किसी प्लान के बारे में बात कर रहे थे, शायद ये प्लान टाइम ट्रेवल से ही रिलेटेड हो। तो दोस्तों ये थी एवेंजर्स एंड गेम के टाइटल के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.